मेरा मिल कितने पर है? हम बात करेंगे कैसे लेके जाएंगे। इधर पकड़े इधर पकड़े इधर पकड़े गोवा तो लुचाच अशी सुची आमच्या मजी आयदा सांगा उपस्थित एक मोठेपण जे असा तर त्याच्या लागून हा तुमच्याकडे सगळ्यांकडे सांगत होता काही आमच्या भारतीय जनता पार्टी ही एक बिगस्ट पार्टी असा बिगस्ट पार्टी असा आणि आज काही ना म्हटल्या 10 करोड मेंबर्स जे भारतीय जनता पार्टी जॉईन झालेले असा हेजा लगन आज आखे वर्ल्ड की बिगस्ट पार्टी जन आसा प्रमाण आज हम मदी आशी सुजी मुद्दम मुरगावान ये जे सी लोक आज फाउंडेशन डे निमित्त जे आज सी फ्लैग लाने आज आशी सुजी हंगा स्वता फ्लैग लो आज पूर्ण कॉन्फिडंस आसा पूर्ण विश्वास आसा कि दोनों सीट जी आसा साउथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी मेटले तेजे भितर मुरगाव वसून मैक्सिमम वाटो आमचो आसतलो कित्याक आज आमी कमिटमेंट दिल्लेले आसा पार्टी कितें मुरगाव वसून आमी जाता तितले मतदान करून घेतले जे आमी टार्गेट दवरलेलो आसा जी वोटींग जातले त्या पेक्षा 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक घेवन दितले म्हणून सो हेजे म्हाका पूर्ण खात्री आसा कित्याक आज आमी पळयता कितें सगळ्यांनी कसो आमकां सपोर्ट केल्लो आसा सर खंय कितें आतां फेब्रुवारीत म्हटलें काँग्रेसी इतके लेट जालो कितें पळय आयज काँग्रेस पार्टीन दाखोवन दिल्लेले आसा जे ते म्हणटाले आसा 33% रिजर्वेशन पण आज 33% रिजर्वेशन वुमन्साक लागून कोणें दिले हे आमच्या देशाचो प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन आज 33% रिजर्वेशन दिल्लेले आसा महिलांक लागून आणि त्याच बरोबर एक एक्झाम्पलूय सेट केलेलं आसा की फर्स्ट टाईम इन द हिस्ट्री साऊथ गोवा आमकां एक वुमन कॅन्डिडेट दिलेली आसा आज जी काँग्रेस पार्टी बायलांच्या बाबतीत उलयताले आम्ही रिजर्वेशन दिलं त्यांच्यानी केन्नाच ना त्यांच्यानी फक्त त्यांची पॉलिटिक्स केलेली 33% रिजर्वेशन बट हे रियलिटीन कोणें करून दाखले जाल्यार आमच्या देशाच्या प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीन दाखले आणि गोंयात हेवूय 50% आज एक सीट महिलांक दिलेलं आसा एक सीट आम्ही दादल्याक दिलेलं आसा आणि आज सगळी साऊथ गोवाची महिलांनी तय केलेलं आसा की आम्ही महिलांक हे साऊथ गोवासून जिंकून हाडटले थँक्यू कैसा रहेगा बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाए थोड़े दिन तो मजा लेने दीजिए उन्हें बड़ी मुश्किल से मिले उन्हें दो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का सामना कर पाएंगे मैंने दिल्ली में सुना था कि जिसको वो बोलते थे वो AICC का दफ्तर छोड़ के भाग जाता था बड़ी मुश्किल से पकड़ के दो लोगों को उन्होंने टिकट दिया है हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने गोवा का विकास किया है देश का विकास हुआ है देश में वंदे भारत ट्रेन्स हुई हैं नीट एग्जाम के कारण गरीब बच्चों को भी अपनी काबिलियत के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ पढ़ाई का अवसर मिल रहा है 54,000 से 1,04,000 मेडिकल की सीट्स हुई हैं 6 एम्स से 22 एम्स हुए हैं
50,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज का जाल बन गया है। 74 एयरपोर्ट से बढ़कर आज 148 एयरपोर्ट है देश में। इस सब डेवलपमेंट को गोवा की जनता भी आगे लेकर जाएगी। हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया है वीमेन लेड एम्पावरमेंट का, हमने उसको आगे बढ़ाया है। गोवा जैसे प्रगतिशील फॉरवर्ड लुकिंग राज्य में किसी महिला को पहली बार हमने टिकट दी है, वो लोग एक कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए जिसको वो टिकट दे पाए, तो गोवा में भी वीमेन लेड डेवलपमेंट को हम आगे लेकर जा पाएंगे, ये हमारा रचना है। और हम दोनों सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। सर, आप पूरे गोवा में अभी अपने प्रचार के लिए घूम रहे हैं, आपको कैसा क्या फीलिंग दिख रहा है कि लोगों के बीच में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए झंडे बताते हैं कि पार्टी का कितना समर्थन है। आज गोवा के हर घर पर, लगभग हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और वो जनता के समर्थन से कर रहे हैं। हम किसी के घर पर झंडा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जनता आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए हमारे साथ आ रही है। हमारे एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर हमारे कार्यकर्ता एक एक वोटर की माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों सीट, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, जीतने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके समर्पण के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मगर स्थापना दिवस हमें एक संदेश देता है देश के प्रति, समाज के प्रति अपने समर्पण का। और नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत अभियान की शुरुआत की है देश के इस अमृत काल में, आज़ादी के इस अमृत काल में, उस संकल्प को पूरा कर विकसित भारत और विकसित गोवा को आगे ले जाना, और देश के सभी नागरिकों की, जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको पूरा करते हुए विकसित भारत में हम सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। उस कॉन्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम भी इस बात का गौरव महसूस करेंगे कि विकसित भारत बनाने में हमारा भी योगदान है। स्थापना दिवस हमारा फाउंडेशन डे हमें यही संदेश देता है। सर, आज कांग्रेस के, 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 कांग्रेस के,